hello my dear students welcome to english literature class students today we are going to start the chapter number 11 mr sherlock holmes written by arthur conan doyle students sherlock holmes is probably the most well known and loved fictional detective in literature sherlock holmes is a private detective who has been powers of observation he notices things दैट अदर सिंपली डोंट एंड देन ही ड्रॉज एक्यूरेट कंक्लूजन अबाउट वॉट ही सीज सीज सी स्टूडेंट्स अब मिस्टर शार्लक होम्स कौन है एक डिटेक्टिव हैं ठीक है और वो चीज़ों को उस नज़रिए से देखते हैं जो कि कॉमन पीपल नहीं देखते उस ऑब्जर्वेशन के साथ देखते हैं सो वी विल स्टडी अबाउट मिस्टर शार्लक होम्स इन दिस चैप्टर Reading from the first paragraph of this chapter, Mr. Sherlock Holmes, who was usually very late in the mornings, was seated at the breakfast table. I stood upon the hearthrug and picked up the stick which our visitor had left behind him the night before. It was a fine, thick piece of wood, box headed. Just under the head was a broad Silver band nearly an inch across to James Mortimer, MRCS, from his friends of the CCH, was engraved upon it with the date 1884. It was just such a stick as the old fashioned family practitioner used to carry. Dignified, solid, and reassuring. Well, Watson, what do you make of it? Now, students, this story starts from when Mr. Sherlock Holmes and Dr. Watson examines a mysterious cane left in the office by an unknown visitor, and Holmes sits with his back facing his friend. Holmes asks Watson what he makes of it. That means what conclusion does he draw from the stick? Now, students. What मिस्टर शारेलक होम्स और डॉक्टर वेटसन, डॉक्टर वेटसन मिस्टर शेरेक होम्स के रूम में एंट्र करते हैं और वहाँ पे एक केन पड़ी देखते हैं जो कि एक दिन पहले उनके घर पे कोई विजिटर आए थे वो भूल गए थे तो मिस्टर वेटसन उस केन को देखते हैं और ऑब्जर्वेशंस करते हैं देखते हैं कि उसके ऊपर लिखा हुआ है जेम्स और एम आर सी एस फ्रॉम और कैसी वो एक मतलब कैसी बताई है उन्होंने उस चिक की कि वो एक थिक पीस ऑफ वुड है और उसके ऊपर एक जो उसका हेड है वो राउंड शेप का कुछ सिल्वर कलर का लगा हुआ है वहां पे राउंड शेप का फाइन तो मिस्टर होम्स वेटसन से पूछते हैं कि क्या कंक्लूजन मिल रहा है तुम्हें इस चिक से सी होम्स वॉज सिटिंग विद हिज बैक टू मी एंड आई हैड गिवन हिम नो साइन ऑफ माई ऑक्यूपेशन हाउ डिड यू नो वट आई वॉज डूइंग आई बिलीव यू हैव आई एट द बैक ऑफ योर हैड सी स्टूडेंट्स वेटसन डिक्लेयर दैट ज फ्रेंड मस्ट है बैक ऑफ हिस्स हैड ही सॉ वट वैट्सन वॉज डूंग स्टूडेंट सब क्या होता है कि जो वैत्सन है उसके हाथ में केन है वो केन को ऑब्जर्व कर रहा है पर जो मिस्टर शारेलक होम्स हैं वो अपनी बैक करके बैठे हुए थे ठीक है वेत्सन की ओर पर फिर भी वैत्सन शारलक होम्स को पता चल गया कि डॉक्टर वैत्सन जो है वो केन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वैटसन को बहुत अजीब लगता है कि मतलब होम्स वॉज सिटिंग विद हिज़ बैक तो उसे लगता है कि ही बिलीव्ड दैट ही हैड आइज एट द बैक ऑफ हिज हेड तो उन्हें लगता है कि शायद होम्स की बैक पे भी आइज़ है जो उसे पता चल गया कि मैं उसकी बैक साइड क्या कर रहा हूँ आई हैव एट लीस्ट अ वेल polished सिल्वर प्लेटेड कॉफ़ी पॉट इन फ्रंट ऑफ me, said he, but tell me watson what do you make of our wister's stick since we have been so unfortunate as to miss him and have no notion of his errand let me hear you reconstruct the man by an examination of it so students then mr sherlock holmes admits that he saw watson's reflection in coffee pot proving to the watson that he is an astute observer तो जो मिस्टर शेरलक होम्स हैं वो डॉक्टर वेटसन को ये चीज़ क्लियर करते हैं कि उनके सामने एक सिल्वर प्लेटेड कॉफ़ी पॉट पड़ा है जिसमें से मिस्टर होम्स ने डॉक्टर वेटसन की रिफ्लेक्शन को देखा और उन्हें पता चल गया कि डॉक्टर वेटसन जो है अपनी मतलब उनके बैक के पीछे क्या कर रहे थे फाइन देन अगेन मिस्टर शारलक होम्स आस्ट मिस्टर डॉक्टर वैट्सन वट कंक्लूशन डिड ही ड्रॉ फ्रॉम द स्टेक so moving on the next page i think said i by the methods of my companion that dr mortimer is a successful elderly medical man well esteemed since those who know him gave him this mark of their appreciation good said holmes excellent i think also he is a country practitioner who does a great deal of his visiting on foot so, students, Watson offers up his theory as to the origin of the walking stick, declaring that the inscription to James Mortimer MRCS from his friend of CCH suggests an elderly doctor who was awarded the object after years of faithful service. Holmes encourages Wetson's speculation, and the doctor continues, saying that the well worn stick implies a country practitioner who walks about quite a lot. तो अब मिस्टर जो डॉक्टर वट्सन है वो होम्स को बताते हैं कि मुझे लगता है कि ये जो स्टिक है इसके ऊपर जैसे कि लिखा हुआ है कि टू डॉक्टर मोटिमर तो डॉक्टर मोटिमर तो को ये स्टिक एज अ प्रेजेंट की गई है उसके गुड वर्क के लिए और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कंट्री प्रैक्टिशनर होगा जो कि बहुत ज़्यादा वॉकिंग करता है तो उसे स्टिक की ज़रूरत पड़ती होगी वॉक करने के लिए होम्स उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है वेत्सन को कि ठीक है तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस बहुत अच्छी जा रही हैं जब वो बोलता है कि मुझे लगता है वेत्सन बताता है कि आई थिंक कि वो एक कंट्री प्रैक्टिशनर है कंट्री प्रैक्टिशनर कौन होते हैं जो फील्ड वर्क करते हैं डॉक्टर मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे जाके अपनी प्रैक्टिस करते हैं फाइन तो वो पूछता है कि क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बिकॉज दिस चेक The thick iron ferrule is worn down, so it is evident that he has done a great amount of walking with it. Perfectly sound, said Holmes. And then again, there is a friend of the CCH, I should guess that to be the local hunt to whose members he has possibly given some surgical assistance and which has made him a small presentation in return. Really? Wetson, you excel yourself, said Holmes, pushing back his chair. I am bound to say that all that you have derived, you have habitually underrated your own abilities. I confess, my dear fellow, that I'm very much in your debt. So students, so, students in addition, Dr. Wetson suggests that the CCH is probably the mark of समथिंग हंट अ लोकल ग्रुप टू हू मोटिमर प्रोवाइडेड सम सर्विसेस तो अब डॉक्टर वेट्सन बताते हैं कि मुझे लगता है कि शायद जो डॉक्टर मोटिमर हैं उन्होंने कोई मतलब लोकल ग्रुप को हंटिंग में कोई सर्विस प्रोवाइड की होगी जिसकी वजह से उन्हें एज अ प्रेजेंटेशन में ये जो केन है उनके काम के लिए मिली है फाइन He had never said as much before, and I must admit that his words gave me keen pleasure. He now took the stick from my hands and examined it for a few minutes. Then, with an expression of interest, he carried the cane to the window. He looked over it again with a convex lens. See, students, now Holmes congratulates Watson and goes on to examine the cane himself as Watson busts in glory. अब जो मिस्टर होम्स थे उन्होंने डॉक्टर वेटसन को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस बहुत अच्छी जा रही हैं तुमने बहुत अच्छी मतलब ऑब्जर्व किया है अच्छे से केन को और फिर वो बाद में खुद उस केन को लेते हैं और एग्जामिन करना स्टार्ट करते हैं विद अ कन्वेक्स लेंस मीन्स क्लोजली तो वो केन को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं इंटरेस्टिंग सेड ही एज ही रिटर्न टू हिज फेवरेट कॉर्नर ऑफ द सेटी देयर आर सर्टेनली वन और टू इंडिकेशन अपॉन द स्टेक इट गिव्स अस द बेसिस फॉर सेवरल डिडक्शंस अब जो मिस्टर होम्स हैं वो स्टेक को लेते हैं और अपने फेवरेट सोफा के ऊपर जाके बैठते हैं जहाँ पर वो अक्सर जाके अपनी ऑब्जर्वेशंस करते हैं और केन को देख के बोलते हैं कि इसमें एक दो ऐसी इंडिकेशंस दी हुई हैं स्टिक में जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन के लिए हमारी मतलब सेवरल डिडक्शन को का बेस होंगी दैट मीन्स हमारा बेसिक स्टिक के ऊपर जो भी लिखा है उससे क्लियर हो जाएगा हैज एनी स्केप्ड मी आई आस्ट विद सम सेल्फ इम्पोर्टेंस अब जो डॉक्टर वेटसन है वो पूछते हैं कि इस देर एनी थिंग विच आई हैव नॉट तो डॉक्टर वैटसन को लगा कि अब भी कुछ बाकी है जो मुझसे छिपा है सो स्टूडेंट्स द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस स्टोरी वी विल रीड इन आर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू हैव अ वंडरफुल डे